हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी फाइबर तबस्सुम। आज की रेसिपी है दही चना चाट। इसके लिए हम पहले हरी चटनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, आधा चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च, कुछ कटा हुआ धनिया और 1 चम्मच पुदीना। इस सबको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक और इसमें डाल लेंगे 1 कप पानी और हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। चाट के लिए हमें 1 कटा हुआ प्याज चाहिए, जिसको हमने नमक डाल लिया है जिसमें, और इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे साइड में मिक्स करके, ताकि इसमें से वो कड़वापन जो होता है प्याज का वो निकल जाए, और बाद में से हम धो लेंगे। और हमने कुछ आलू उबाल लिए, हमने 4 आलू लिए हुए हैं। अब हम अपनी मीठी वाली चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे 4 से 5 खजूर, 3 टेबलस्पून हम लेंगे चीनी, 1/2 चम्मच इसमें हम डालेंगे सौंठ मतलब अदरक का पाउडर, और मिक्स करने के बाद हम डालेंगे 1/2 कप पानी। इसे उबाला आते ही हम गैस बंद कर लेंगे और इसे एक ब्लेंडर में डाल लेंगे। ये चटनी बन गई है। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कटा हुआ नींबू का रस। इसका रंग थोड़ा लाइट है, आप इसमें इमली डालकर इसका गाढ़ा रंग कर सकते हैं। इमली ना होने की वजह से ये थोड़ी सी लाइट बनी है कलर में, लेकिन स्वाद में बहुत अच्छी है। अब हम अपना चाट बनाने का तरीका स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले डालेंगे फेंटा हुआ दही, सफ़ेद चने जो हमने सारी रात भिगो कर रखे हुए थे, प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, और जो आलू हमने उबाल कर रखे थे वो आलू डालेंगे। और इसी तरह से ये सारा प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे। जितना क्वांटिटी आपको चाहिए आप उतना रख सकते हैं चाट का। आलू और चने हमने वो डाल लिए, अनियंस और टमाटर भी डाल लिया। अब हम डालेंगे कुछ कटा हुआ धनिया, ये फ्रेश धनिया है। एक चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक, और आखिर में हम अपनी चटनियाँ इसमें डाल लेंगे दोनों। पहले हमने मीठी वाली डाली है, अब हम अपनी तीखी हरी वाली चटनी डाल देंगे। और ये हमने डाली अपना दही। खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के महीने में आप इसे शाम के टाइम पे बना सकते हैं। और हमने ये आखिर में चिप्स डाल लिए, आप चिप्स या पापड़ी दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी चटनी चाट बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने इसे नहीं किया।